गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? बढ़िया हो? हाँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलो बच्चों, अभी हमारा हिंदी का पीरियड है, ठीक है? और आज हम कुछ नए वर्डों की पहचान करने वाले हैं। हाँ ठीक है, तो बच्चों आज हम पहचान करने वाले हैं हमारे ई स्वर्ण का। यह है ओ वर्ण। कौन सा वर्ण है ये? ओ। तो ओ से ये क्या आता है? पतंग। क्या आता है? पतंग। ओ से क्या आता है? पत्ता। ओ से पत्ता। ओ से पतंग। ओ से पत्ता। पत्ता, ठीक है बच्चों? हाँ। ओ के बाद हमारा फो वर्ण आता है। तो फो वर्ण से क्या बन जाता है? फल। क्या बन जाता है? फो से फल। यहाँ पे इस टोकरी में बहुत सारे फल आपको दिखाई देंगे, ठीक है बच्चों? तो फो से फल। फो से फल। तो बच्चों, फो से पतंग, फो से पनघट, फो से पपीता, इस तरह से और कई शब्दों की शुरुआत होती है, ठीक है? और फो से भी कई सारे शब्दों की शुरुआत होती है। तो चलो बच्चों, पहले हम देखेंगे पो वर्ण। तो चलो, अभी आपके पास यह आपका बुक होगा, है सबके पास? निकालो जल्दी से। हाँ, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे, निकाला सबने? हाँ, तो इसमें से आप यह पो वर्ण निकालो। यहाँ पे आपको दिखाई देगा पो से पतंग। चलो बच्चों, मेरे साथ बोलो अच्छे से। अभी सब का ध्यान किधर होना चाहिए? हमारे बुक पर। हाँ, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? प से पतंग मेरे पिछले डाल तुमके है, यहाँ पे संतरा है, हाँ यहाँ पे बेर है, ऐसे
कई सारे फल यहाँ पर है, है ना, अमरुद भी है, हाँ इस प्रकार से यहाँ पे फल है। तो फ से फल, यह फ वर्ण आपको अच्छे से क्या करना है, आपको यहाँ पे पेंसिल से लिखना है, हाँ, और यहाँ पर भी लिखना है और एक टिक टिक करनी है आपको। तो मालूम है क्या करना है, हाँ मैं पढ़कर सुनाती हूँ, ठीक है। Draw the pictures of fruits and color them. Write the correct letter in the box. अच्छे से सुनो बच्चों। Draw the pictures of fruits and color them. Write the correct letter in the box. यानी इस बॉक्स में आपको फ यह वर्ण लिखना है, ठीक है। पर इससे पहले आपको यहाँ पे रिक्त स्थान दिखाई देता है, हाँ, तो इस रिक्त स्थान में आपको फल की टोकरी निकालनी है। इस टोकरी में क्या होना चाहिए, बहुत सारे फल होने चाहिए, जिस प्रकार मैंने यहाँ पे ये फल की टोकरी निकालनी है ना, हाँ, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ये फल की टोकरी अच्छे से क्या करनी है, ड्रॉ करनी है, उसका चित्र निकालना है, हाँ, फ यह वर्ण आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है बच्चों। तो मुझे मालूम है मेरे बच्चों बहुत होशियार है और वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, हाँ, तो बच्चों आप अच्छे से पढ़ाई करो। ये वर्कबुक होने के बाद आपको आपकी कॉपी में, आपकी कॉपी है आपके पास, हाँ, तो इस नोटबुक में, इस कॉपी में आपको यह वर्ण अच्छे से सुंदर हस्ताक्षर में आपको लिखना है। कौन सा वर्ण लिखना है, हाँ हाँ बताओ बताओ, आपके ध्यान में है, हाँ वो वर्ण और जो कि हमारे कैसी होती है, बहुत ही आसान होती है ना, हमारी वर्कशीट कैसी होती है, बहुत ही आसान होती है, हाँ, तो ये प वर्ण की वर्कशीट और फ वर्ण की वर्कशीट भी आपको अच्छे से छुड़ानी है। और जो बच्चे इस तरह से बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको मैं देने वाली हूँ बड़ा स्टार। स्टार चाहिए, हाँ, तो अच्छे से घर में पढ़ाई करो, ठीक है बच्चों, घर में रहो, सुरक्षित रहो, धन्यवाद।